हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। आज के सेशन का टॉपिक है पेरोल। पेरोल के अंतर्गत यहाँ पे अटेंडेंस शीट बनाया जाएगा, पेमेंट शीट बनाया जाएगा और एक एम्प्लॉय के बारे में जो पूरा डिटेल दिया जाता है उसको बताया जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वाइज आप पेमेंट कर सकते हो, स्टाफ वाइज यानी डिपार्टमेंट वाइज बनाकर दे सकते हो। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, परचेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, तो उनका एक स्लिप बना करके आप निकाल कर दे सकते हो। तो यहाँ पर हम अटेंडेंस बेस पर भी बना सकते हैं पेमेंट और लीव पर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला ऑप्शन। यहाँ हमें करना क्या होता है, F11 प्रेस करते हैं। F1 प्रेस करेंगे, F11 और F1। हमें यहाँ पर दो चीज़ें यस करनी होती है, एक पेरोल को इस यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ लिखा होता है पेरोल कैटेगरी, यस कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। हम सेव करने के बाद हम जाएंगे पेरोल इन्फो में, यहाँ पर हम बनाएंगे यूनिट, यानी दो यूनिट बनाएंगे हम। एक बनेगा हमारा हावर्स का, यानी घंटे की बात हो रही है, और दूसरा बनाएंगे हम एक और चीज़ यहाँ पर हम बैक करेंगे। यहाँ पर हमें यूनिट के अंतर्गत हमें अल्टर करना होगा। पहले अल्टर में HR में जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे जो डेसिमल नंबर 2 रहेगा। और नेक्स्ट होगा क्या, एक बनाएंगे हम मिनट का, इसका हम पूरा नाम देते हैं। सेव करने के बाद हम बैक बटन प्रेस करेंगे, कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड के अंतर्गत हम क्या यूज़ करेंगे, हावर्स यानी कितना, सॉरी यहाँ से लेकर करेंगे मिनट 60, यानी क्या होगा एक घंटा। अब यार देखना चाहते हो देख सकते हो, बैक करके अल्टर पे जाओ, एंटर करो। अब बता रहा है कि 60 मिनट का एक घंटा होता है। हमने 3 यूनिट बना लिया। यूनिट बनाने के बाद क्या बनाना होगा, अटेंडेंस टाइप बनाना होगा। अटेंडेंस टाइप बनाने के लिए, जैसे अटेंडेंस टाइप का मतलब ये हो जाता है कि कोई बंदा अब्सेंट हो रहा है, ओवर टाइम कर रहा है या लीव ले रहा है, तो उसके लिए ये प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, इसको हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। पहले हम बनाएंगे अब्सेंट। अब्सेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लीव विदाउट पे रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लीव विदाउट पे, यानी कोई अब्सेंट बनता करता है तो उसको लीव विदाउट पे हम रखेंगे, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। और सीक लीव, अगर छुट्टी लेता है तो यहाँ पे इसका हम क्या रखेंगे, अटेंडेंस बेस्ट, अटेंडेंस लीव विदाउट। तीसरा बनेगा ओवर टाइम। ओवर टाइम रखना है कि ये प्रोडक्शन होता है कंपनी के लिए। प्रोडक्शन के अंतर्गत हमें क्या होता है, ये कोई भी बंदा जो काम करता है वो हर घंटे वाइज काम करता है ना, एक्स्ट्रा वर्क। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम बैक जाएंगे, हमें बनाना होगा पे हेड। तो पे हेड यहाँ नीचे लिखा हुआ, क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे हम। पे हेड का अर्थ ही हो जाएगा, जैसे हमें DA बनाना होगा, DA का अर्थ होता है DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ठीक है ना। तो सिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिया जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो DNS अलाउंस। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या होता है, ये होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉय द्वारा कमाया गया, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे फिक्स हम रखेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर हम ऑन अटेंडेंस बेस हम रखेंगे इसको। और नीचे होगा सीक लीव जो हमने बनाया था। यहाँ पूछेगा कि आप जो कैलकुलेशन पीरियड रख रहे हो किसके बाद रखना चाहते हो, तो यहाँ पे यूज़ करो मंथली। और यहाँ पे पूछ रहा है तो आप यूज़ करो यूज़र डिफाइन। कैलेंडर डेट कर लोगे तो अपने हिसाब से ले लेगा, अगर आप यूज़र डिफाइन करते हो तो यूज़र डिफाइन रख सकते हो। यानी आप उन्हें सेट करना है क्या, 30 दिन, क्योंकि आप मानते हो कि एक महीने में 30 दिन होना चाहिए। जैसे 31 का होता है अलग अलग डेट, तो उन आपने जो मानना है 30 मानना है, ठीक है। और इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हम दूसरा बनाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पे हेड बना लिया, जैसे बेसिक सैलरी के अंतर्गत आप जान लीजिएगा बेसिक सैलरी जैसे हमने बनाया। और एक हम बनाएंगे DA DNS अलाउंस बना लिया, और HRA बना लेंगे हाउस रेंट अलाउंस। इसका मेथड क्या होगा, सेम होगा जो हमने बनाया था DA का, ओके। यूज़र डिफाइन कर देंगे मंथली, यानी 30 दिन का हमने माना। और इसके बाद DHRA हो गया। नेक्स्ट होगा ओवर टाइम। अगर कोई बंदा ओवर टाइम करता है तो ये बंदे के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है।
और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये कंपनी के लिए, ऑन प्रोडक्शन बेस पे काम करेगा। और यहाँ पे होगा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज करंट लायबिलिटी है, इसको मंथली रखना है। और यहाँ पे यूज़ करना है क्या, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला सब है बेसिक डी ए एच आर ए, और यहाँ पे हमने तीनों को ऐड कर दिया, इन रुपये कटेगा। और हमने परसेंटेज रखा जो अभी गवर्नमेंट का नया रूल है 8.85 के हिसाब से चल रहा है, इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद प्रोफेशनल टैक्स हमने बनाया। प्रोफेशनल टैक्स में क्या होगा, एम्प्लॉई स्टैच्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पे हमने प्रोफेशनल टैक्स रखा है, करंट ड्यूटी एंड टैक्सेस कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे हमने कुछ अमाउंट दे दिया कि अगर कोई किसी बंदे का 35,000 सैलरी है तो उसको कुछ नहीं देना है, मतलब ज़ीरो। और यहाँ पर 35 से 45 के बीच है तो उसको 10%, 45 से 65 के बीच 12%, ठीक है, इसको हमने परसेंटेज बना दिया है। और टीए देखना है, टीए देख लो, ट्रेवलिंग अलाउंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेवलिंग अलाउंस, यहाँ पे यूज़ करना है फ्लैट रेट, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे बना करके। सेव किया, सेव करने के बाद अब हमें बनाना है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेरोल इन्फो के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है एम्प्लॉय ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ग्रुप। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, तो हमें करना क्या होगा, अल्ट से सी प्रेस करना होगा। सी प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे एम्प्लॉई। एम्प्लॉई टाइप करने के बाद यहाँ लिखा होगा अलोकेट रेवेन्यू आइटम, इसको यस रखिएगा, और अलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम इसको भी यस कर लीजिएगा, और इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब देखो ध्यान से, जब बैक करोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, तो हमें यूज़ करना क्या, एम्प्लॉय के अंतर्गत, और एम्प्लॉय के अंतर्गत जो जो डिपार्टमेंट होगा हम उन डिपार्टमेंट का नाम देंगे। जैसे एक परचेस का डिपार्टमेंट है, एग्जाम्पल परचेस डिपार्टमेंट, और इसको लिखने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। एज इट इज डिफाइन सैलरी डिटेल, पूछ रहा है कि डिटेल करना चाहते हो तो यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। और अब हम बनाएंगे अकाउंट का, बना लेते हैं डिपार्टमेंट, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये बनाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट, इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम एम्प्लॉय डिटेल बनाएंगे, एम्प्लॉय डिटेल के अंतर्गत जाएंगे हम, यहाँ पर अब उस बंदे के बारे में पूरा डिटेल देना पड़ेगा, यानी जो जो बंदा है उनका नाम, जिसमें लिख दिया मिस्टर रंजीत। देखो यहाँ पे बैक बटन भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, तो स्पेस करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करना एम्प्लॉय। अब यहाँ लिखो मिस्टर रंजीत, और यहाँ पर हम देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन कि अकाउंट में किस डिपार्टमेंट के हैं, वो हम सेट कर सकते हैं। इनको हमने कर दिया अकाउंट डिपार्टमेंट, और यहाँ पूछ रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है इनकी, तो जो ज्वाइनिंग होगा डेट वो आप सेट कर लोगे। यहीं पूछा यहाँ पर सैलरी डिफाइन करना चाहते हैं तो यहीं से भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं अभी तो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, अब एम्प्लॉय का नंबर होगा, ठीक है, आईडी नंबर आपने बना दिया, और डेसिग्नेशन का क्या है, पोस्ट वगैरह, वो आप यहाँ दे सकते हो सीनियर। सुपरवाइजर, ठीक है, और यहाँ पे उनका कौन सा डिपार्टमेंट है, लोकेशन कौन सा है, जेंडर है मेल फीमेल, ये आप यहाँ पे सेट करोगे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में जैसे हमने दे दिया 2/5/1999, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है वो सेट कर लो, फादर नेम मदर नेम एड्रेस फ़ोन नंबर ईमेल, और बैंक का डिटेल फेड करोगे यहाँ पे, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय के बारे में पूरा डिटेल रखना है ना, तो आपको तो पूरा पे देना पड़ेगा अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड, हर एक डिटेल होगी कि इनको जो पेमेंट किया जाएगा किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से, ई फंड के ट्रांसफ़र यानी कैश के माध्यम से, वो डिटेल डालेंगे। इनकम टैक्स यानी पैन नंबर होगा, आधार नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आधार नंबर इंस्टॉल होगा, ठीक है, और यूएन नंबर होगा, पीएफ नंबर होता है, ईपीएस नंबर। पीएफ नंबर क्या होता है, अगर बंदे का सैलरी उसको मिलता है तो पीएफ का प्राइवेट सेक्टर में भी काटा जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काटा जाता है, तो जब
प्रोजेक्ट कंप्लीट रहता है या वहाँ का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ पे उसको पीएफ नंबर दिया जाता है, वो वहाँ से पैसा निकाल सकता है, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पीएफ, वो पूरे पूरे हम डिटेल यहाँ पे फिट कर लेंगे। एक एम्प्लॉय के बारे में जो जो डिटेल चाहिए वो हम फिट करते हैं। एक और बना लेते हैं, मिस्टर रोहित, इनको हम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कैटेगरी नहीं आएगा, सो हमें क्या करना, बैक बटन करके स्पेस प्रेस करेंगे, एम्प्लॉय यूज़ करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इनको पर्ची डिपार्टमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का सेट कर लेना है और एम्प्लॉय आईडी नंबर सेट कर लेना है, ठीक है। ये पूरे पूरे हम डिफाइन कर देंगे, मेल फीमेल वगैरह सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी चीज़ें, इनका भी बैंक डिटेल फिट कर लेना है अच्छे से। सेव करने के बाद जब पूरा आप डिटेल सेट कर लो, अब नेक्स्ट स्टेप होता है सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल के लिए हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सैलरी डिटेल, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, और ठीक है तो हमें क्या करना होगा, डिफाइन करेंगे हम किसके लिए, हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर बंदे को सेलेक्ट करके काम करना होगा। जैसे हमने यूज़ किया पहले रंजीत, हम यहाँ पे डेट डिफाइन करेंगे, और अभी जो जो इनके पास इनकम होता है वो हम पूरा सेट करेंगे। पहले हम यूज़ करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है, अगर अकाउंट में डिपार्टमेंट में काम करें, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ आ गया। कैलकुलेशन टाइप क्या होगा, अटेंडेंस बेस पे काम होगा, अगर डेली आते हैं तो उसके बेस पे उनका काम होगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनका हमने सैलरी दे दिया 36,000, ओके। यहाँ पे क्या होगा, मंथली बात होगी ना, ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। बेसिक के बाद क्या होगा, डीएम यूज़ करेंगे यानी महंगाई भत्ता, तो यहाँ पर क्या करना है, ये भी मंथली आपने सेट किया है तो आप सिटी के अकॉर्डिंग आप दोगे, तो आपने यहाँ पे कर लिया 6,600 रुपये, ये भी मंथली है। और एचआरए यानी घर रहने के लिए आपने इसको भी सेट किया सिटी के अकॉर्डिंग, 7,000 चार्ज किया है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बाकी जी पूछेगा बंदा ओवर टाइम करता है तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, प्रोफेशनल टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओवर टाइम वो भी सेट करना होगा, पीएफ में सेट करना होगा। देखो पीएफ अभी ओवर टाइम हो गया, पूछ रहा है कि ओवर टाइम का क्या रूल है, तो आपने क्या सेट करना है कि एक घंटे का कितना पैसा, ठीक है वो हम सेट यहाँ पे करेंगे। हमने सेट कर लिया एक घंटे का, इनका आ रहा है 1,500 रुपये, ओके। यहाँ पे एक फॉल्ट है, इस फॉल्ट को हम सही करेंगे क्योंकि ये मिनट में आ रहा है, हमें वहाँ पे क्या करना होगा, हावर्स को चेंज करना होगा, ओके। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा, हावर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 60, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मिनट, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा, यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, बोला कंपाउंड को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना होगा, क्रिएट पे जाएंगे और वापस हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कंपाउंड। हमने कुछ थोड़ा सिंबल चेंज कर लेते हैं, सिंबल चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस नहीं हो पाएगा। हमें यूज़ करना होगा एक नया फैक्टर, हमने अल्सा सी किया, हमें यूज़ करना होगा एचआर, हमने इसको बना लिया यहाँ पर एचआर, ठीक है, यानी 60 मिनट का एक घंटा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इसको बैक कर लेंगे, बैक करने के बाद हम पेरोल इन्फो पे जाएंगे, सैलरी डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसका हमने बनाया था जैसे रंजीत का, हमने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद डिफाइन कर लेंगे हम रंजीत, यहाँ पे हम सेट करेंगे, हावर कर लिया हमने, और यहाँ बचा टीए, टीए को भी हम सेट कर लें ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी ऑफिस से घर की दूरी, यानी घर की दूरी जो होगी उसके अकॉर्डिंग हमने पैसा सेट कर लिया, कंपनी की बस भी अपनी होती है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, हमने सेट कर लिया है 3600 पर मंथली, सेव कर लेंगे हम। ये हमने बना लिया मिस्टर रंजीत का, हम बनाएंगे मिस्टर रोहित का, हमने डेट सेट किया और बेसिक सैलरी इनका, ये परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमने इनका सैलरी दे दिया है 35,000 पर मंथली। डीए सेट कर लेंगे, डीए इनका महंगाई भत्ता 6,600 रुपये,
ये मंथली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एचआरएम नहीं यूज़ करना है, एचआरए दिया गया हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमने ये सेट किया 3600 रुपये। और ओवर टाइम इन्होंने किया वो सब हम सेट कर लेंगे। ओवर टाइम का हमने सेट किया क्या किया है, इनका है अगर एक घंटे ये ओवर टाइम करते हैं तो इनका अलग इनको अलग से पैसा दिया जाएगा। एक घंटे इनका 600 रुपये है। यहाँ पे क्या एचआर का इस्तेमाल करिएगा। और ओ यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया टीए इस्तेमाल कर लेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस, इनको भी हमने सेट कर लिया, इसको भी 3600 रुपये। पीएफ कट रहा है और प्रोफेशनल टैक्स। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, हम जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका आप डिटेल बना लोगे। डिटेल बनाने के बाद क्या करना होगा, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद पेरोल यहाँ पे हम बाउचर टाइप पे जाएंगे। देखो ये हमारे पास पेरोल इन्फो है, यहाँ पर होगा बाउचर टाइप। बाउचर टाइप पे हम जाएंगे अल्टर पे। अल्टर के पास होगा एक ऑप्शन सेलेक्ट पेरोल, ठीक है। यहाँ पे पेरोल जो ऑप्शन होगा इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ कुछ ऑप्शन हमें सही करना होगा। हम बनाएंगे स्टाफ लोगों का सैलरी, हमें लिखना है यहाँ पे क्या स्टाफ सैलरी। इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा इनफ लिस्ट, और कुछ हमें लेज़र यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लेज़र में क्या यूज़ करना है, सैलरी पेएबल। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है लेज़र, हमें अल्ट सा सी प्रेस करके लिखेंगे हम सैलरी पेएबल। इसको हम यूज़ करेंगे किसमें, करेंट लाइबिलिटीज़ में, ओके। यहाँ पर होगा पेरोल, इसको आप यस कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा पेरोल वाउचर पे आप जाएंगे। पेरोल वाउचर के अंतर्गत क्या करना होगा, यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा कंट्रोल F5। यहाँ पे पूछेगा अटेंडेंस शीट लगाने के लिए, तो हमें बारी बारी सेलेक्ट करना होगा। जैसे मिस्टर रंजीत हैं तो इनका जो अब्सेंट है प्रेजेंट, अगर छुट्टी लेते हैं महीने में तो हम उनकी बात करेंगे। हमें यहाँ यूज़ करना है क्या, अब्सेंट यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये महीने में 2 दिन अब्सेंट है, और इन्होंने क्या किया है, लीव कितना लिया है, 1 लीव लिया है। और यहाँ पर मिस्टर रंजीत ने क्या किया है, अब्सेंट वगैरह हैं तो ओवर टाइम इन्होंने किया है, तो ओवर टाइम को भी हम सेट करेंगे। इन्होंने ओवर टाइम कितना किया है, 10 आवर्स, 10 घंटे काम किया है। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम बैक करेंगे। इसी तरह से जितना भी अटेंडेंस लगाना होगा आप अटेंडेंस लगा सकते हो, जब आपको सैलरी शीट बनानी हो तो, ठीक है। रजिस्टर से मेंटेन करके आप बना सकते हो। इसके बाद क्या करना होगा, बनाने के बाद कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे हम। कंट्रोल F4 यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा स्टाफ सैलरी। अब पूछेगा यहाँ पर एक और ऑप्शन, अल्ट के साथ A प्रेस करिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है क्या ESI कंट्रीब्यूशन, ठीक है, या NPS का कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन सिस्टम, और PF कंट्रीब्यूशन। तो हमें यूज़ करना है फिलहाल सैलरी, सैलरी पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि आप जो सैलरी बनाने जा रहे हैं कब से कब तक का बनाएंगे, तो हमने यूज़ करना है 1/4/18 से बनाना है, और 1 महीने का, तो हमने कर लिया 1/5/2018। अब यहाँ पूछेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉई हमने यूज़ किया। पूछ रहा है ऑल आइटम के लिए या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए या पर्टिकुलर बंदे के लिए, तो वो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे हमने यूज़ किया मिस्टर रंजीत, ठीक है। अगर पूरे डिपार्टमेंट का चाहिए तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट ले सकते हो, अगर सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा चाहिए तो एक साथ पूरा बना के दे सकते हो, ठीक है। हमें यूज़ करना है पर्टिकुलर मिस्टर रंजीत का। अब यहाँ पूछ रहा है एम्प्लॉई नेम, हमें यूज़ करना है, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पर ये पूरा पूरा इनका डिटेल बन के आ गया। अभी आपको क्या दिख रहा है, 1200 रुपये, ये सब क्या सब दिख रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। हम इसको डिटेल में समझेंगे यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। अभी फ़िलहाल दिख रहा है क्या, 30,241.53 रुपये। हमें क्या करना है, 53 पैसे, सॉरी। यहाँ पे आपको दिख रहा है नरेशन ऑटोमेटिक बन गया कि 1 महीने का इनका डिटेल आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे पहले। सेव करने के बाद हमें सेव किया इसको,
अलग से जेड करेंगे, हमें यहाँ पे ये चीज दिख जाएगा। ओके, ये पूरा पूरा डिटेल इनका। अब इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर। अब हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर पेमेंट वाउचर, हमने F5 किया। हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं सिंगल मोड एंट्री, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड, इसको यस करिएगा, सेव कर लीजिए कंट्रोल A से। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे अल्ट से C प्रेस करेंगे, एक बैंक बनाएंगे PNB बैंक। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बैंक लेजर बना रहे हैं, और इस बैंक का हम क्या करेंगे, पूरा पूरा डिटेल सेट कर लेंगे। डिटेल सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऑप्शन पूछेगा कि आप जो बना रहे हो स्पेस प्रेस करो, सैलरी पेबल पूछ रहा है, सैलरी पेबल कितने का बना है, 30,241 रुपये का। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा 30,241 रुपये 53 पैसे। आप पूछेगा यहाँ पर क्या, एम्प्लॉय सेलेक्ट करिएगा, एम्प्लॉय में कौन, मिस्टर रंजीत। ओके, इसमें जितने लोग होंगे आप सेलेक्ट करके इनका बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, अब जो आप पैसा दे रहे हो किसके माध्यम से दे रहे हो, अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका सेलेक्ट भी कर सकते हो, चेक के माध्यम से बना रहे हो तो चेक का पूरा डिटेल यहाँ पर आप बना के दे दोगे। अब क्या करो, सेव कर लो। सेव करने के बाद आप बैक करो। बैक करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक प्रोसेस देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर डिस्प्ले के अंतर्गत जा करके पेरोल स्ट्रक्चरी इन्फॉर्मेशन देखना होगा। अब पूछेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, इनकम टैक्स क्लासिफिकेशन, इसको आप ओपन कर सकते हैं। पूछेगा यहाँ पर कि आप किस चीज़ का देखना चाहते हैं, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई या बेसिक सैलरी, बोनस, चिल्ड्रेन हॉस्टल वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग, ट्यूशन फीस के लिए भी अलग चीज़ें होंगी, क्लासिफिकेशन होंगी। इनकम टैक्स स्लैब देखना चाहते हैं, एजुकेशन से अतिरिक्त खर्च जो होता है, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, इनकम टैक्स स्लैब क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ा हुआ है। अगर इस स्लैब को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, कि सरचार्ज का क्या रूल है, इनकम टैक्स का क्या रूल है। इनकम टैक्स में क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे पूरा बना बनाया मिलेगा कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या ऑप्शन है, और फीमेल के लिए, फीमेल के देखिए अलग होगा, मेल के लिए अलग होगा, और सीनियर सिटीजन के लिए अलग ऑप्शन होगा। तो इस चार्ट को आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको काम करना हो ना तो आप डिस्प्ले पर जाइएगा और पेरोल स्टेचरी इन्फॉर्मेशन में जा करके इनकम टैक्स स्लैब पर जाइएगा, और इसको ओपन करके बारी बारी सेलेक्ट करके आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्या, डिस्प्ले के अंदर एक और ऑप्शन होगा पेरोल रिपोर्ट। आपने जो काम किया है उसका स्टेटमेंट देखना हो तो आप क्लिक करो। आपको पे स्लिप बनाना है, जैसे एम्प्लॉय लोग वर्क करते हैं तो अपना, गवर्नमेंट वाले भी काम करते हैं या प्राइवेट हो तो अपना वो स्लिप बनवाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पे स्लिप चेक करना चाहते हो सिंगल प्ले ओपन कर लो, किसका, जो जितने लोग होंगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मिस्टर रंजीत है तो इनका आप दिखा सकते हो कि सर आपका टोटल क्या था। अब इसको प्रिंट करना चाहते हो अलग साथ पी प्रेस करो, और इसमें क्या मेंशन करना चाहते हो, आपका जो सीट हो वो कितना बड़ा छोटा हो वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। बैक बटन के साथ देखो, अल्ट के साथ पी प्रेस करोगे वहाँ पे बैक बटन प्रेस करो, और इसमें जो आप जैसा दिखाना चाहते हो, वर्टिकली डेट ज्वाइनिंग वगैरह जो जो इसमें दिखाना चाहते हो डिटेल वगैरह, आप यहाँ पे यस कर सकते हो। इसके बाद इसको अल्ट के साथ जेड करो, ये डिटेल पूरा पूरा आ गया, यानी एक एम्प्लॉय के बारे में पूरा डिटेल, जो आप एम्प्लॉई डिटेल आप दे रहे थे वहाँ पर ये पूरा फीड हो करके आएगा। अब पूछ रहा है बेसिक सैलरी कितना था, ठीक है, तो ये टोटल क्या आया, देखो ध्यान से, 30,386.67 पैसा, और ग्रॉस कितना, 53,200। टोटल डिडक्शन अमाउंट बता रहा है यहाँ पर, और क्यों देखो, प्रोफेशनल टैक्स अकॉर्डिंग इतना कटा, तो PF के अकॉर्डिंग इतना कटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अमाउंट, और इनको कितना पेमेंट करना था, 30,241.53 रुपये। एक और देखना, स्लिप देखना चाहते हो मल्टीवल या पे शीट देखना चाहते हो तो यहाँ पे यूज़ करो एम्प्लॉय। आपको पर्टिकुलर जानना हो तो पर्टिकुलर देख सकते हो, डिपार्टमेंट देखना हो तो डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हो।
इस चीज़ को भी प्रिंट करना चाहो तो ये बहुत बढ़िया चीज होगा। देखो टोटल डिडक्शन अमाउंट 142 रुपये 14 पैसे, ठीक है, क्या चीज़ है, डिडक्शन अमाउंट है। बेसिक सैलरी इतना, डीए, हाउस रेंट, ओवर टाइम, टीए, टोटल अर्निंग कितना, 386 रुपये, पीएफ कितना और डिडक्शन अमाउंट टोटल इतना कटा, ठीक है, तो नेट अमाउंट कितना, 30,241.53 रुपये। इसको भी अलग साथ पी प्रेस करो, वाई प्रेस करो, अल्ट के साथ जेड, ये पूरा सीट आ जाएगा। इसको प्रिंट करके आप दे सकते हो किसी भी बंदे को, किसी का भी सीट बना सकते हो यहाँ से। पेरोल स्टेटमेंट देखना हो तो स्टेटमेंट देख सकते हो बारी बारी इस कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया। इसके साथ ही यहाँ पे पेमेंट एडवाइस देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हो अपना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बैंक डिटेल वगैरह, एम्प्लॉय नेम, सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और डेट ज्वाइनिंग वगैरह आप ये भी चेक कर लो। अल्टा जेड करो, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे शो करा सकते हो अगर डिटेल में सेव होगा तो। इसके बाद अटेंडेंस वगैरह देखना चाहते हो, अटेंडेंस शीट ओपन कर लो, अटेंडेंस रजिस्टर ओपन कर लो, यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर है, इसको ओपन करके भी आप देख सकते हो अप्रैल में आपने काम किया है तो वो चीज़ आप दिख जाएगा, ठीक है। यानी हर एक डिटेल को आप प्रिंट करके रख सकते हो अपने अपने देखने के लिए। एक वर्ड आता है सैलरी पेमेंट किया जाता है तो ग्रेचुएटी वर्ड आता है, ठीक है ना, GRADUATY, ग्रेचुएटी होता है, मतलब ये कि एक सेक्शन दिया गया है कि एम्प्लॉई अगर आपके कंपनी में 4 साल कुछ महीने अगर काम कर लेता है तो वो आजीवन काम किया है, ठीक है ना, ऐसे उसको एक कुछ बेनिफिट दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट एक रूल रखा था कि 1972 के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, ग्रेचुएटी के अकॉर्डिंग 20 लाख रुपये उसको देना पड़ेगा। यानी एम्प्लॉई अगर कोई भी एम्प्लॉई 4 साल 5 महीना काम कर लेता है किसी भी कंपनी में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई भी, तो उसको पूर्ण काल के लिए उसको माना जाता है कि वो जॉब किया है, तो कंपनी क्या करती है उसको ग्रेचुएटी प्रदान करती है, तो इसको भी आप बना सकते हो। कुछ कंपनियां अलाउड भी करती हैं, कुछ कंपनियां नहीं भी करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये रहा वीडियो सेशन का एंड, आपको ये सेशन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।